हेलो एवरी वन दिस इज कुशुम यादव आई एम आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास एट एंड स्टडी इन ब्रिज नंदनी ग्रुप ऑफ स्कूल चन्या चंदौली टूडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाई ट्रिक पे टू के पावर एक्स इजकल टू थ्री के पावर वाई इजिक्वल टू ट्वेल्व के पावर जेड है हम लोग ट्वेल्व को टू का स्क्वायर इन थ्री लिख सकते हैं फिर टू के पावर टू है यहाँ पे थ्री के पावर कुछ नहीं है तो थ्री थ्री के पावर वन ले लेते हैं यहाँ पे ट्वेल्व के पावर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे ट्वेल्व के पावर भी वन ले लेते हैं हम यहाँ पे जो टू की पावर जो कॉन्स्टेंट है पावर में जो कॉन्स्टेंट है उसको हम लोग ऊपर और यहाँ पे जो टू की पावर वेरिएबल एक्स है इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के स्थान यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो थ्री की पावर वन कॉन्स्टेंट है इसको ऊपर और थ्री की पावर जो वाई वेरिएबल है इसको नीचे इज इक्वल टू यहाँ पर ट्वेल्व के पावर जो वन कॉन्स्टेंट है इसको ऊपर और ट्वेल्व के पावर जो जेड वेरिएबल इसको नीचे लिख लेते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं वाई का टू में कहेंगे तो यहाँ पे टू वाई हो जाएगा प्लस एक्स एक्स का वन में कहेंगे तो एक्स हो जाएगा और एक्स वाई कहेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू वन बाई जेड और हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं यहाँ पे जो एक्स वाई है ये ऊपर चला जाएगा और टू आई प्लस एक्स जो है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो जेड है ये ऊपर आ जाएगा और जो वन है ये नीचे आ जाएगा हमें जेड की वैल्यू मिल गई ये हमारा आ गया आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर थैंक यू